पंकज, आप बात करते हैं युवाओं की, युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी फिलहाल देश में हर चीज़ का कोई ना कोई दौर आता है जी। अभी युवाओं को वोट देने की मशीन समझा जा रहा है पूरे देश में, बूढ़े लोगों को तो दरकिनार कर दिया और टोटल पॉलिटिकल पार्टियां नौजवानों को वोट की मशीन समझ रही हैं। नौजवानों के लिए कोई नीतियां उनके पास है नहीं, कोई रोज़गार उनके पास है नहीं, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है सब चीज़ें, और जब रोज़गार मांगने की बात करते हैं तो देश में जो सेंटर में राज करने वाली पार्टी ये कह रही है कि पकौड़े को काम शुरू करना चाहिए बेरोज़गारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई हो नहीं सकता। आज अभी फिलहाल हमारे साथ कुछ साथी आए हैं जी, हाँ, ये नौजवान साथी हैं, सारे लोग आपके साथ आए थे। एक ज़माने में जब देश आज़ाद हुआ तो एक खेल का बहुत बड़ा महत्व था, जिला स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी को एक नंबर मिलता था जी, और स्टेट पर खेलने वाले खिलाड़ी को 3 नंबर मिलते थे एक्स्ट्रा, कोई भी नौकरी कोई भी सर्विस हो उसमें, और सेंटर में खेलने वाले को 5 नंबर तक का कोटा था, और खेल के प्रति नौजवानों में एक बड़ा उत्साह और जुनून था। इन सरकारों ने नाम तो नौजवान का वोट के लिए तो कि पोलिंग बूथों पे लाठियां खाएंगे झगड़ेंगे, इसलिए वोट तो इनका नौजवान का चाहिए, उसको लुभावने नारे भी दिए जा रहे हैं। आज जितने भी ये भाई यहाँ खड़े हैं जी, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं जी, इन्होंने जिला स्तर पर खेला, स्टेट खेला, नेशनल तक ये गए, और राजस्थान में पहली बात तो कोई भर्तियाँ निकली नहीं, और पुलिस की भर्तियाँ भी इनको इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए इनको पुलिस चाहिए, और उस भर्ती में जब ये भाई रोज़गार के लिए जाते हैं कि हम यहाँ खिलाड़ी हैं, हमने पूरा जीवन लगा दिया, इनकी उम्र एज हो गई 27-27 साल तक, आज ये कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं गोल्ड मेडल लेके आओ। अब गोल्ड मेडल के लिए आपने कितने लोगों को बाहर भेजा है? गोल्ड मेडल तो जितने जाएंगे छटके वही तो लेके आएंगे, तो जो नेशनल खेल के आगे स्टेट खेल लिए, सारे प्रमाण पत्र इनके पास हैं, तो भी इनके लिए कोई रोज़गार का अवसर है नहीं जी। तो आप ये देखो, जब खिलाड़ियों को इस तरीके से मारा जा रहा है तो आम नौजवान की तो आप ये मान लो कहीं कोई गिनती है नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार नौजवानों की विरोधी सरकार है, युवाओं की विरोधी सरकार है, छात्रों की विरोधी सरकार है। इन नौजवानों को समझ के आधार पर इन लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए, और एक नए विकल्प के जो रोज़गार इनको देश के जो इनकी बातें समझ सके, इनकी भावनाओं को समझ सके, ऐसे विकल्प को तैयार करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जो पुलिस की भर्ती निकली है इसमें जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, चाहे वो जिला स्तर पर खेलें, चाहे स्टेट पर खेलें, चाहे नेशनल स्तर पर खेलें, उनको इस पुलिस की भर्ती में शामिल किया जाए, वरना जो गौरव यात्रा निकल रही है इसका गौरव फिर ये राजस्थान का नौजवान इसका गौरव ठीक करने का काम करेगा। अब बात करते हैं, ये लोग खड़े हुए हैं काफ़ी, आपका नाम क्या है? परमवीर सिंह है मेरे नाम। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? ये आप जो पेपर लेकर के खड़े हैं, ये क्या है इनके अंदर? ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने 16 साल तक हॉकी खेली है जी। मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, मेरे पास स्कूल नेशनल है, मेरे पास जूनियर नेशनल है, मेरे पास सीनियर नेशनल है, मैं यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, और काफ़ी सब मतलब काफ़ी सारे नेशनल खेले मैंने, 7-8 नेशनल खेले हैं, और उसके बावजूद हॉकी के अंदर पहली बार वैकेंसी निकली है राजस्थान पुलिस की। इसके अंदर वैकेंसी तो निकाल दी इन्होंने, लेकिन इन्होंने ऐसे सारी पॉलिसी लगा दी है, ऐसे नियम लगा दिए हैं कि कोई स्पोर्ट्समैन भर्ती नहीं हो पाएगा। अब इन्होंने कांस्टेबल जो पोस्ट है, सबसे नीची पोस्ट है, उसके अंदर इन लोगों ने मेडल मांगा है। अब मेडल होता तो इनकम टैक्स में लग जाते, ऑडिट में लग जाते, बैंक में लग जाते, PNB में लग जाते, बहुत सारे डिपार्टमेंट सरकारी विभाग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट वालों को ले रहे हैं। इन लोगों ने मेडल का एक ऐसा नियम लगा दिया है कि स्पोर्ट्समैन भर्ती नहीं हो पा रहे, और हमें इतने साल हो गए खेलते, हमारे मेरे जितने भी साथी है इन्हें सब लोगों को 15-15 साल 16-16 साल हो गए हॉकी खेलते हुए, इनका पूरा जीवन खेल के प्रति बहुत जुझारूपन है इनमें सब में, लेकिन अब जाए तो कहाँ जाए, सबकी उम्र ख़त्म हो रही है, अब नौकरी नहीं दे रहे हैं, अब सरकार को किस तरह से बोले, पहली बार वैकेंसी निकाली है और ले नहीं रहे, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो पहली बार नौकरी एक तो निकाली गई और उस पर भी एक ऐसी शर्त लगा दी गई है कि वो नौकरी ना होने के बराबर है। 2016 के अंदर इन्होंने SI की पोस्ट निकली थी, 34 पोस्ट निकली थी SI की 2016 के अंदर, उसके अंदर भी यही नियम थे और कांस्टेबल के अंदर भी यही नियम है, तो कम से कम नियम तो चेंज करिए आप। आप SI के अंदर भी मेडल मांग रहे हैं और आप कांस्टेबल के अंदर भी मेडल मांग रहे हैं, ये कहाँ का नियम है?
अगर पोस्ट का अगर आप चेंज कर रहे हैं, एक ऐसा ही पोस्ट है, एक कांस्टेबल पोस्ट है, दोनों में फ़र्क भी तो कितना है। आप मेडल भी वहाँ मांग रहे हैं, यहाँ मेडल मांग रहे हैं। अगर मेडल होता तो इतने सारे डिपार्टमेंट है, कहीं भी हम जैसे लड़के कहीं भी लग जाते। और राजस्थान का स्तर खिलाड़ी के मामले में, खेल के मामले में अभी बहुत कम है, और हॉकी के मामले में तो बहुत ही कम है। हॉकी हमारा राष्ट्र खेल है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोएब है सर। आप कौन सा खेल खेलते हैं? मैं हम हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ प्रॉपर। जो आप ये पेपर लिए हुए हैं, क्या है ये, कहाँ कहाँ से आपको सर्टिफिकेट? ये सर हमारे जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, यूनिवर्सिटी वगैरह सबके डॉक्यूमेंट्स है सर। हम लोग काफ़ी टाइम हो गया हॉकी खेलते हुए, अब घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते क्योंकि नौकरी नहीं है, कि इसलिए अब नौकरी की बहुत जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में इतने डिपार्टमेंट है पर कोई डिपार्टमेंट नौकरी नहीं देता। जो देता है अलग अलग अपने अपने विज्ञप्ति और अपने अपने नॉर्म्स रख देते हैं। अब जैसे पुलिस ने नॉर्म्स रख दिया, अब ये थोड़ी ना हम लोग एलिजिबल नहीं है इसके हिसाब से, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब भूखा मरता क्या नहीं करता, हम लोग को अलग अलग काम करना पड़ेंगे फिर। हम जो थोड़े ना रिक्शा चलाएँ और कुछ काम करेंगे, अब खिलाड़ी आदमी क्या करेगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संदीप है। आपने क्या क्या उपलब्धियाँ ली हैं खेल में? सर मैंने डिस्ट्रिक्ट से लेकर नेशनल स्तर तक उपलब्धि ली सर। मैं नेशनल खेले हैं आप? जी सर, नेशनल खेला हूँ सर। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ सर। करंट में नेशनल खेल का है मैं 2018 के अंदर, पर राजस्थान पुलिस की भर्ती में सर हमें शामिल नहीं किया जा रहा है सर। सर मैं अलवर से हूँ सर, हम बहुत परेशान हैं सर। इस सरकार से हम उम्मीद चाहते हैं कि वो हमें शामिल करे, वरना सर आगे कभी भी आगे स्पोर्ट्समैन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। आप जो बात बता रहे हैं कि इस तरह के नॉर्म्स लगा दिए गए हैं, भर्ती अगर निकाली भी है तो क्या इसकी शिकायत आपने किसी राजनेता से नहीं की राजस्थान के? सर हमने इसकी शिकायत राजनेता के से की, पर राजनेताओं को सर टाइम ही नहीं मिलता सर। वो हमारे को अपॉइंटमेंट ही नहीं देते सर। क्यों कहते हैं कल मिलेंगे, आज मिलेंगे, परसों मिलेंगे, आज नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी सर वहाँ पर जाके, पर हमें सर कोई हासिल नहीं हुआ सर हमें। तो अगर ये नौकरी आपको नहीं मिलती है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सर हमें ये नौकरी नहीं मिलती तो हम सर हम क्या करेंगे? हम फिर खेल छोड़ देंगे सर। हम अपने कोई और काम धंधा करेंगे सर। जब हमें हमें 8-9-10 साल खेलते हुए जब हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो हम सर क्या करेंगे? खेल के हम नहीं खेलेंगे सर। हम फिर हमारे जूनियर भी ऐसे ही हमारे तरह करेंगे। मतलब जो आपकी प्रतिभा है खेल की, हॉकी आप खेलते हैं, उसका गला एक तरह से घोट देंगे जी। आगे से आपको देख करके जो और दूसरे खिलाड़ी हैं, आपके जूनियर्स हैं, वो भी यही करना स्टार्ट कर देंगे। जी जी सर, हमारे जूनियर्स भी सर हमको देख के आगे बढ़ते हैं, तो सर अब हमें ही नौकरी नहीं मिलेगी, हमें ही शामिल नहीं कर रहे हैं, तो सर हम क्या करें सर बताओ। आपका नाम क्या है? अमित यादव। अमित जी आपका यादव हैं आप? अरे वाह, वेरी गुड। आपका तो उत्तर प्रदेश में बड़ा ही ज़्यादा वर्चस्व रहा है, आप राजस्थान में हैं। राजस्थान में कहाँ से हैं? अलवर से हूँ। अलवर से जी। तो आपको क्या कष्ट है सरकार से? सरकार से ये कष्ट है कि सरकार एक तो वैकेंसी बहुत कम निकालती है, और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में तो वैकेंसी पहली ही बारी राजस्थान पुलिस ने निकाली है, और कोई डिपार्टमेंट निकालता भी नहीं है वैकेंसी। 2% कोटा कर रखा है, उसमें भी एग्ज़ाम लेते हैं। पहली बार स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी निकाली, उसमें भी इतना कपलेबाजी कर रखा है इन्होंने। दूसरी चीज़ ये, अब इन्होंने मेडल का सिस्टम कर दिया। कॉन्स्टेबल में मेडल मांगेंगे, SI में मेडल मांगेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? ना गवर्नमेंट इतना उठा रही है खेल को, अभी राजस्थान से उठाए, लड़कों को बाहर भेजे, कुछ करे, कोई सहायता राशि दे, तब तो कुछ लड़के अपने करें ना कुछ आगे बढ़े। आपका नाम क्या है? संजय खान। संजय खान। खान, अरे वाह, बहुत बढ़िया खान साहब। तो आपकी भी यही समस्या है जो? तो जो ये समस्या आप सभी लोग कोशिश कर रहे हैं बार बार, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो इसको अगर आप की कोई नहीं सुन रहा है, कोई नेता नहीं सुन रहा है सत्ताधारी, तो आपने कोशिश नहीं की मुख्यमंत्री जी तक आप अपनी बात पहुँचाएँ? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। किस बड़े नेता के पास जाते हैं तो वो हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, और कोई सुनता ही नहीं खिलाड़ियों की, ना कोई साथ देता है। हम किसी के पास भी जाते हैं तो अब क्या सोचा है, क्या करेंगे? अब बस ये भर्ती में नहीं होंगे तो खेल छोड़ देंगे हम। खेल छोड़ देंगे, मन उठ गया हमारा बस। चलिए खान साहब, आप दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि ये नौकरी आपको जरूर मिले। आप किस लिए आए हैं? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है चंद्रांश शर्मा जी। सर मैं 3 साल से राजस्थान हॉकी टीम में नेशनल में प्रतिनिधित्व किया है मैंने, और 2 साल से कंटिन्यू मैं कैप्टन रहा हूँ। राजस्थान की तरफ से मैं राजस्थान की टीम से 2 साल रेगुलर कंटिन्यू रहा हूँ नेशनल टीम का। और सर हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें देखिए, हमारे पास सीनियर नेशनल अभी हम करंट में खेले हुए हैं मणिपुर में, जो हमारी प्रतियोगिताएँ हुई है, तो सर उसमें हम खेल के आए थे अभी, हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसमें, हमारे
कोचों ने हमें बहुत अच्छा सब कुछ किया। लेकिन सर अभी जो अभी राजस्थान पुलिस में वैकेंसी निकली है सर, इसमें ये मेडल का जो सिस्टम है सर, ये इसने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है सर इसमें। क्योंकि सर एक्चुअल में क्या है कि मेडल वाले अगर होंगे तो राजस्थान पुलिस के सिपाही के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। और नेशनल वाले सर, हम 15-15, 16-16 सालों से हॉकी खेल रहे हैं सर, फिर भी हमें कोई रोज़गार नहीं मिलेगा तो सर फिर हम कहाँ जाएंगे, आप बताइए, फिर हम खेल छोड़ देंगे। ये राजस्थान सरकार जो हमारे साथ ये कर रही है तो गलत चीज़ है। या तो हम आपने बोला खेल छोड़ देंगे तो क्या करेंगे सर? खेल छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, किसी दुकान पे लगेंगे, पकौड़ा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक योजना ही है। अब सर पकौड़ा अगर ये नौबत आएगी तो पकौड़ा भी बनाएंगे सर। अगर जो हम तो हमारी सरकार से गुजारिश ही कर सकते हैं कि सर ऐसा हमारे साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि सर हम भी ये करेंगे तो हमारे जो जूनियर है वो क्या करेंगे, फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। इतनी राजस्थान में फैसिलिटी भी नहीं है कि जो हम अच्छे स्तर पर जा सकें, जिस स्तर पर हम खेल रहे हैं उस स्तर पर हमें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। आप बताइए फिर हम किसको बोले, किसी इससे मिलने जाते हैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, छोटे आदमी नहीं मिल सकता, हर किसी से कोई मिलने नहीं देता, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर बहुत। आपका नाम क्या है जी? अभिमन्यु सिंह नाम है मेरा। आपकी क्या परेशानी है सर? मेरे से भी सेम परेशानी है, मैं भी बचपन से हॉकी खेलता आ रहा हूँ, नेशनल खेल रहा हूँ, पर क्योंकि मेडल नहीं है तो नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरियाँ वैसे ही कम है जो है, उसमें एंट्री नहीं देते ये लोग, तो अब क्या कर सकते हैं, पूरा एक स्टॉप पे आके रुक गए हैं, इससे आगे कुछ दिख नहीं रहा है, आगे भविष्य में क्या होगा, तो ये परेशानी है सर। अब प्रशासन से बात करना चाहते हैं, प्रशासन सुनता ही नहीं है, खड़े हैं आज रोड पे, देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश का युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार खड़ा नज़र आ रहा है, और ये आप देख पा रहे हैं जितने भी युवा साथ में हैं, ये सब समुदाय से हैं, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई यादव है और कोई मुस्लिम है। अब इनकी जो ये बातें हैं और ये जो सर्टिफिकेट इन्हें सरकार ने दिया है, ये किस लिए दिया है? जब इनको कोई नौकरी नहीं दी जा सकती है, और नौकरी भी दी जाने वाली बात होती है तो एक मेडल चाहिए। अगर ये मेडल लेकर के आएंगे और या इनको मेडल मिल चुका होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्यों एक ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई क्यों करेंगे जो बहुत ही निचले स्तर की है? और जो हमारे साथ किसान नेता हैं राजस्थान के, पंकज धनखड़ जी, पंकज जी क्या वाकई में लगता है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनेगा? देखिए पूरे प्रदेश और देश में कहीं प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसी प्रदेश में एक बांसवाड़ा ज़िला पड़ता है, उस ज़िले में जो निशानेबाजी होती है, तीर चलाने वाले लोग होते हैं, 100 की स्पीड में अगर गाड़ी जाती है ना, 100 की स्पीड में, तो उसके टायर में भी 100 की स्पीड की चलती गाड़ी में टायर में भी वो तिरक बाण मार देते हैं और टायर पंचर हो जाता है। आप ये कल्पना करो जब 100 की स्पीड में अगर वो बाण मार सकते हैं तो खड़े में वो कहाँ मार सकते हैं निशानेबाजी में। तो निशानेबाजी के सारे गोल्ड मेडल इस देश को मिल सकते हैं। ऐसे ही ये जो बाजीगर घूमते हैं, इनकी बच्चियाँ तारों पे साइकिल चलाती हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी प्रतिभाएं इस देश में हैं, अगर उनको वास्तव में अवसर दे दिया जाए, उन पर इन्वेस्ट कर दिया जाए, उन पर खर्चा कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया के गोल्ड मेडल ये देश ला सकता है। हो क्या रहा है, जो खिलाड़ी हैं अभी आप देख रहे हो, जिन्होंने 10 साल इस प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने गांव का, इस देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी ज़िंदगी खपा दी, आज वो एक पुलिस की नौकरी, जिस नौकरी को यहाँ तुच्छ नौकरी समझा जाता है, उस नौकरी के लिए भी ये भीख मांग रहे हैं। ऐसी पोजीशन आज देश के नौजवानों में करती तो आगे कोई नौजवान खेलेगा क्या? इनको गोल्ड मेडल मिलेंगे क्या? देश को कतई नहीं मिलेंगे। देश को गुमराह किया जा रहा है, देश के साथ ठगी हो रही है, और नौजवान कठोर निर्णय नहीं लेंगे और इनके झांसों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता पंकज धनखड़ और राजस्थान के कुछ युवा खिलाड़ी जो कि बहुत ही परेशान हैं बेरोजगारी से। तो ऐसे किसी और मुद्दे पर फिर बात करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ दाबीर खान शो। जय हिंद।